स्पीकर्स हमने रिव्यू कर रखे हैं, बट आज का जो स्पीकर है वो खास है उन लोगों के लिए जिनके पास है लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप सेटअप है, उसको परफेक्ट बनाना है तो स्पीकर्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म वाले। तो हमारे पास एक स्पीकर्स ऐसा ही आ रखा है जो कि है स्टीरियो बीट्स करके, फिंगर्स की तरफ से 2.1 सिस्टम आपको देखने को मिलता है। इतने छोटे से डब्बे के अंदर एक 2.1 सिस्टम है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। फटाफट डब्बा खोलते हैं, क्या कुछ आपको देखने को मिलता है और जानेंगे इसको डिटेल में। बट पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो डब्बे आप देख सकते हैं कि ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हैं, कि ये फोटो वगैरह देखने को मिलते हैं आपको, स्पीकर के साइड में कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं। कंटेंट पैकेज की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो टॉप पे आपको आपका स्पीकर वगैरह देखने को मिल जाएगा, उसको आप निकाल लो प्रॉपर। उसके अलावा मिल जाएगा कोई पेपर जहाँ पे थैंक यू कार्ड टाइप दे रखा है उन्होंने, और अगर आपको रजिस्टर करना है तो उन्होंने QR कोड भी दे रखा है, स्कैन करके आप उसको रजिस्टर कर ले। और सीधे डिवाइस को लेकर बात करूं मैं, तो बहुत ही ज्यादा क्यूट और कॉम्पैक्ट लगे मुझे ये, और एक बिल्कुल है ना वो अपने जो बड़े वाले 2.1 सिस्टम नहीं आते वैसा ही कहीं ना कहीं लुक देते। प्लास्टिक बिल्ड में पूरा आपको दे रखा है, नो डाउट बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है फॉर द प्राइसिंग। साथ ही में अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक बीच में आपको ये बड़ा सा जो है स्पीकर दे रखा है, ये स्पीकर नहीं बेसिकली आपका बेस वाला सिस्टम है, जो कि आप देख सकते हैं कि पीछे इन्होंने यहाँ पे छोटा सा बेस रिलेटेड सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है। अब ये जो है आपके मेन ट्विटर है बेसिकली, जहाँ से आपके ट्रेबल्स वगैरह जनरेट होने वाले हैं और यहाँ से आपका जो है बेस जनरेट होने वाला है। अब लेंथ की बात करूँ मैं वायर्स की, तो लेंथ इनफ है, अगर आप डेस्क पर सेटअप कर रहे हो तो आपको लेंथ इनफ लगेगी, और एक्सटेंड करने का ऐसा कोई ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो जो लेंथ है उसी पर आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। बट स्टिल मेरे हिसाब से डेस्क पर प्रॉपर सेटअप हो जाएगा। साथ ही में अच्छी बात यह है कि पावर सप्लाई के लिए आपको बस एक USB प्लग चाहिए या USB पोर्ट चाहिए, आपके PCs में अवेलेबल होता है, आपके लैपटॉप में अवेलेबल होता है, उससे इसको कनेक्ट करें और 3.5mm जैक को अपने 3.5mm जैक वाले पोर्ट में लगा दो, और बस ये आपका जो सिस्टम है वो चालू हो जाता है। अब बाकी का साउंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस को लेके बात करूं, तो दिखने में बहुत छोटा है, बड़ा साउंड के मामले में परफॉर्मेंस काफी सही लगेगी आपको। 11 वॉट का टोटल आउटपुट आपको यहां पे देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी इनफ है। अगर आप एक स्पीकर कंपेयर करते हैं अपने लैपटॉप का या जो बिल्ट इन मॉनिटर में स्पीकर्स आते हैं उसके मुकाबले आप देखेंगे तो काफी लाउड है और एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल जाता है। और बढ़िया बात मुझे पसंद यह लगी ना कि अगर आप फुल वॉल्यूम पर ही प्ले कर रहे हो तो डिस्टॉर्शन वगैरह बिल्कुल नहीं आता स्पीकर में, और एक प्रॉपर टेस्ट एक्सपीरियंस आपको मैं करा के दिखाता हूँ किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। साउंड एक्सपीरियंस आपने लिया कि स्पीकर की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, और आप मेरे को समझ में आएगा तो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा होगा। बट एक्सपीरियंस वाइज टोटली बात करूं तो क्लैरिटी अच्छी है, मतलब अगर आप एक बैलेंस साउंड की बात करते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ट्रेबल्स काफ़ी अच्छे हैं, इवन यहाँ पर जो बेस है वो भी काफ़ी अच्छा जनरेट हो जाता है, और डेस्क पर आप बैठो तो आपको जो वाइब्रेशन है वो फील होते हैं। तो नो डाउट अगर आप एक बजट में 1500 रुपये के प्राइस पॉइंट में एक छोटा सा स्पीकर ढूंढ रहे हैं अपने लैपटॉप वगैरह के लिए या फिर अपने डेस्क सेटअप के लिए, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं क्यूट डिवाइस आपको पसंद आ सकता है। और सेंटर में आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जो रिंग डायल दे रखा है बेसिकली वॉल्यूम कंट्रोल के दे रखा है, और ये जो एक लाइट ग्लो करती है ब्लू वाली, ये कहीं ना कहीं इसको और एलिगेंट बनाती है। अगर डेस्क सेटअप पे आप देखेंगे तो मेरे डेस्क सेटअप पे आप देख सकते हैं कितना सही लग रहा है ये, तो आप अगर इसे चेकआउट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। या फिर इसी तरह के और स्पीकर के रिव्यू देखना चाहते हैं या कुछ आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो हम उसका रिव्यू लेकर आएंगे आपके लिए। आगे भी इतना कहूंगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर से करना, दोस्तों का शेयर करना, और प्यारा वाला कमेंट आपका कर देना, क्योंकि जब भी कमेंट्स वगैरह आते हैं आपके तो बड़ा अच्छा लगता है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।